चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हम बायो का सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसको आप कहते हैं कोशिका, जहां से जीव की उत्पत्ति शुरू होती है, आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके सामने यह दिख रहा होगा एक नया सा प्यारा सा टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम क्या है भाई? कोशिका। इस टॉपिक का नाम है कोशिका। अब जैसे ही कोशिका हम बोले तो आपके दिमाग में गया होगा कि इसकी जो इंट्रोडक्शन में चर्चा हुई थी कि किसी भी जीवों का ये मूलभूत आधार है, यानी जीवन की उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो जीवन की उत्पत्ति में बिना कोशिका की कोई परिकल्पना ही नहीं हो सकती है, चाहे वह जीव कितना भी छोटा क्यों ना हो या वह जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए कोशिका का होना अनिवार्य है, उसके लिए कोशिका का होना अति आवश्यक है। तो इसी टॉपिक के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। और आपके सामने एक फिगर भी दिख रहा होगा, सभी लोगों को यह दिख रहा है फिगर? चलिए, तो ये इतना बड़ा जो फिगर आपको दिख रहा है इसलिए क्योंकि इसको समझाना है, क्योंकि कोशिका बहुत ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, कोशिका एक अति सूक्ष्म कण होता है, और कोशिका इतना सूक्ष्म कण होता है कि वो खुले आंखों से दिखती भी नहीं। आपके बॉडी में लाखों करोड़ों कोशिका है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ती है, या सेल यानी ये कोशिका जो है इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। तो सबसे पहले आप ये जाने कि कोशिका जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं या किसी भी जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? कार्यात्मक और संरचनात्मक, यानी ये वर्क भी आपके शरीर में करती है, यानी आपके शरीर का जो काम है, कार्य है, इस कार्य का संपादन भी कोशिका के माध्यम से होता है, और आपका जो ये संरचना बना हुआ है, आपका जो ये आउटर स्ट्रक्चर या इंटर स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे होंगे, इसके निर्माण में भी कोशिका का ही योगदान होता है। तो कैसे निर्माण होता है, अब उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए यह एक कोशिका है, अब इस कोशिका का जब विभाजन होता है, इस कोशिका का जब विभाजन होता है तो इसके न्यूक्लियस कई भागों में बट जाता है, यानी एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब जब एक कोशिका से कई इस तरह की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो सभी कोशिकाओं को मिला दिया जाता है, यानी सभी जितना भी सेल वन सेल से निर्माण हुआ है तो इन सभी कोशिकाओं को ऐड किया जाता है। तो जब इन सभी कोशिकाओं को ऐड किया जाता है तो उससे एक नया जीन जनरेट होता है जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उत्तक। यानी अब क्लियर हो गया कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। फिर अब ये उत्तक क्या होगा, ये भी कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, तब जब उसका एक ग्रुप तैयार होगा तो उसको हम लोग कहते हैं अंग। यानी उत्तकों के समूह को क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। जब ये बहुत सारा अंग आपस में जुड़ता है तब निर्माण होता है अंग तंत्र का। किसका निर्माण होता है भाई? किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। अब जब बहुत सारा अंग तंत्र आपस में जुड़ जाता है तभी किसका निर्माण होता है? शरीर का, यानी बॉडी का, यानी जीव के निर्माण होने में, शरीर के निर्माण होने में इतने सारे प्रोसेस से गुजरना होता है तब आपके बॉडी का निर्माण हो पाता है। अर्थात किसी भी शरीर का, किसी भी जीव का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, जिसका आप मूलभूत आधार कर सकते हैं, वह मूलभूत आधार ही क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को? अब यदि एग्जाम में सवाल ही आपसे पूछेगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक के समूह को क्या कहा जाता है, अंग के समूह को क्या कहा जाता है, अंग तंत्र के समूह को क्या कहा जाता है, शरीर कहा जाता है। अब आप जो अंग तंत्र में ढेर सारे अंग तंत्र का सिलेबस में नाम लिखे होंगे और आपके पास बुक मौजूद है उसमें भी लिखा होगा, जैसे पाचन तंत्र लिखा होगा, श्वसन तंत्र भी लिखा होगा, परिवहन तंत्र भी लिखा होगा, उत्सर्जन तंत्र भी लिखा होगा, कंकाल तंत्र भी लिखा होगा, तंत्रिका तंत्र भी लिखा होगा, प्रजनन तंत्र भी लिखा होगा। तो जितने भी तंत्र लगा हुआ शब्द अभी हम बोले हैं
इन सभी तंत्रों के एक ग्रुप को ही हम लोग बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं। इसमें बहुत सारा अंग जिम्मेवार है। सब तंत्र में आप लोग पार्टिकुलर ढेर सारे अंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपको माउथ कैविटी पढ़ना है, हार्ट भी पढ़ना है, किडनी पढ़ना है, त्वचा पढ़ना है, मसल्स पढ़ना है, या फिर क्या कहते हैं स्टोमैक पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे इस अंग तंत्र में भी कई सारा अंग है। जैसे जैसे अंग को पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारा उत्तक के बारे में भी पढ़ना होगा, और जैसे जैसे आप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोई भी टिश्यू जो है वो लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर ही बना होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो अभी आपने सीखा, अभी आपने जाना कि कोशिका है क्या, तब आपको पता चल गया कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी मूलभूत आधार है, सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब सवाल मन में आता होगा कि सर ये कोशिका इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है तो इसके बारे में पता कैसे चला? तो आप ध्यान देंगे, ये जो कोशिका अभी आप देख रहे हैं ये रियल में वो कोशिका नहीं है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये है एनिमल से, ये जंतु की कोशिका है। और ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये कौन सा कोशिका है? ये जंतु की कोशिका है। लेकिन सबसे पहले पूरे विश्व जगत में जिन कोशिकाओं का नामकरण किया गया था, जिस कोशिकाओं को सबसे पहले देखा गया था, वह एक निर्जीव कोशिका थी। ये सजीव कोशिका है, ये एनिमल से है। लेकिन सबसे पहले जिस कोशिका को देखा गया था, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को माना जाता है, नाम सुने ना रॉबर्ट हुक का, तो गौर कीजिएगा, तब तो आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी है। तो ये कोशिका के बारे में जो आपने नाम सुना होगा कि 1665 में कब किया गया था कोशिका का, कोशिका का खोज हुआ था 1665 में, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो कोशिका का खोज किए थे वह निर्जीव कोशिका थी। बताइए कितना तरफ सवाल ही हुए कि आपने सब दिन से पढ़ते आया है कि कोशिका के खोज करता रॉबर्ट हुक को माना जाता है, लेकिन एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछता है कि निर्जीव कोशिका के खोज करता कौन है और सजीव कोशिका के खोज करता। तब विद्यार्थी कहता है बाप रूपा प्रण ले लेते ही रेलवे ग्रुप प्लीज है मुस्कुराते हुए पास कर जाएगा, तुमको नहीं लेना, क्योंकि अभी तक जितना भी किताब आप पढ़े होंगे सब में यही बात लिखा हुआ है कि कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। और आपको ऐसा पढ़े भी है, जानते भी है, क्वेश्चन भी सामने आता है। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किए थे, ये जो कोशिका के बारे में बताए थे वह कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। किस प्रकार की वह कोशिका थी बाबू? वह कोशिका निर्जीव कोशिका थी। इन्होंने क्या किया? कॉर्क लिया। कॉर्क आप समझते हैं, पौधों से तैयार होता है कॉर्क। उस कॉर्क को इन्होंने जब काटा, एक कॉर्क लिया और उस कॉर्क को जब उन्होंने काटा तो देखा कि कॉर्क के अंदर इस तरह का बहुत सारा ब्लैक था, ये रिंग था। जब उन्होंने कॉर्क को काटा तब उनको पकी कौन काटा? रॉबर्ट। जब रॉबर्ट हुक ने किसको काटा? कॉर्क को। जब ये कॉर्क को काटे तो इनको पता चला कि उसके अंदर जो है बहुत सारा सर्किल बना हुआ है, यानी ढेर सारा जो उसमें बले पाया जाता है। तब उन्होंने क्या किया था? इस तरह का जो ढेर सारा अलग अलग बले था उस बले का नाम ही रख दिया था कोशिका। तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारा रिंग है जिससे मिलकर बना हुआ है, तो उस छोटे रिंग, उस छोटे पार्टिकल्स जिससे मिलकर वो पार्ट बना था उसके लिए उन्होंने नामकरण कौन कर दिया? उसके लिए उन्होंने एक नामकरण किया जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका यानी सेल। अतः ये निर्जीव कोशिका के बारे में जो अभी आपने चर्चा किया कि क्वार्क में उन्होंने देखा था, इस निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अब बची सजीव कोशिका की बात जो आपने एनिमल से में भी देख रहे हैं। तो अब जब 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक
का नाम हम आपको इंट्रोडक्शन याद करवाएंगे, ल्यूमेन हॉक का। याद किया जीवाणु विज्ञान के बाप ने, याद है रे? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? ल्यूमेन हॉक को। याद हो गया? हम बोले थे कि जीवाणु का आपको सबसे पहले उन्होंने किया, इसीलिए मतलब बाप माना गया। लेकिन 1674 ईस्वी में ल्यूमेन हॉक ने, किसने? ल्यूमेन हॉक ने क्या किया? ये था रॉबर्ट हुक या ल्यूमेन हॉक, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग अलग है। ये है ल्यूमेन हॉक। ये कौन है भाई? ल्यूमेन हॉक, सी के। क्या है? डबल डबल ओ। क्लियर? तो गौर करना, तो 1674 ईस्वी में क्या हुआ कि ल्यूमेन हॉक ने जब सेल का स्टडी स्टार्ट किया, तब उनको ऐसा लगा कि एक स्मॉल जो पार्टिकल बैक्टीरिया का है, यानी जो अति एक सूक्ष्म जीव होता है, उस सूक्ष्म जीव के परीक्षण से उनको पता चला कि वह सूक्ष्म जीव भी एक छोटी कणिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर विद्यमान है जिससे वह बना हुआ है। अतः उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? बैक्टीरिया रख दिया था। क्या रख दिया? बैक्टीरिया रख दिया। अर्थात ये बैक्टीरिया की जो कोशिका पाई गई थी, इस कोशिका को एनिमल सेल यानी सजीव कोशिका के नाम से जाना जाता है। कौन सा कोशिका के नाम से जाना जाता है? तो सजीव कोशिका का। अब एग्जाम में दो तरह का सवाल हो गया, एक हो गया सजीव कोशिका के खोज करता है किसको माना जाता है? ल्यूमेन हॉक को। और निर्जीव कोशिका का खोज करता है किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। निर्जीव कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 में। और सजीव कोशिका का खोज कब हुआ? 1674 में। अर्थात ये ल्यूमेन हॉक जो है, इनको जीवाणु का सबसे पहले खोज किया था, इसलिए ल्यूमेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का या जीवाणु का खोजकर्ता भी माना जाता है, या जीवाणु विज्ञान का पिता भी माना जाता है। ल्यूमेन हॉक को क्या माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता माना जाता है। अब जब कोशिका के बारे में लोगों को पता चल गया कि कोशिका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, या कोशिका के अंदर क्या कहते हैं, बहुत सारा पार्ट्स होता है, इसी से कोशिका का निर्माण होता है, तब जब इसकी स्टडी हुई, अब इसको मिटा दें, कंफ्यूजन याद भी हो गया होगा। अब जब कोशिका के बारे में जानकारी मिली, तब हम आपको बताते हैं क्या क्या है। अब देखिए, कोशिका हम पहले बता दिए कि एकदम स्मॉलेस्ट है, फिर भी इसके अंदर बहुत सारा पार्ट है। सबसे पहले इसके मध्यवर्ती वाले भाग के बारे में जान लो। ये जो सबसे बीच में आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये कौन सा पार्ट आपका हो गया? न्यूक्लियस। यानी कोशिका के मध्यवर्ती वाले भाग में एक गोलाकार संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अब इस नाभिक के अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये जो आप नाभिक देख पा रहे होंगे, इसके अंदर पूरा फ्लूइड द्रव तरल पदार्थ जो है इस नाभिक के अंदर भरा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव। नाभिक को हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? केंद्रक द्रव कहा जाता है। इसके बाहर आप देख रहे होंगे इस तरह की संरचना, इसमें दो पार्ट्स होता है, एक वो इंटरनल लेयर होता है, एक वो एक्सटर्नल लेयर। दिख रहा होगा गोलाकार होता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई संरचना होती नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे बाहर भी एक पतला, इससे तो पतला जरूर लग रहा होगा, आप देख लें, क्योंकि ये अभी इबलाबोटा तक नहीं दिखा पाते। इबलाबोटा थोड़ी पता चलता है कौन पतला है कौन मोटा है इसमें, लेकिन तुमको लग रहा होगा कि ये सब ज्यादा गाढ़ा दिख रहा है, इधर वाला पार्ट्स थोड़ा पतला दिख रहा है। तो ये जो इधर वाला पार्ट्स जो आपको पतला दिखता है, इसका नाम है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली लगी रहती है, जो कोशिका को बेस देता है, जो कोशिका को आधार देता है, जिसके अंदर कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ उसके अंदर घुले रहते हैं, या उसके अंदर द्रव भी पूरा भरा हुआ रहता है, उसके लिए एक जो आधार प्रदान करता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से। अतः कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसकी दो परत,
चलिए तो ये कोशिका के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ये जो कोशिका है इसके बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली में बता रहे थे कि इसमें भी दो लेयर है, एक इसका अंदर वाला पार्ट है और एक इसका बाहर वाला पार्ट है। तो इसमें भी देखिए जनरली क्वेश्चन अभी तक का ये पूछा जाता था कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती थी, तो आपने पढ़ा होगा कि कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। सिंपल एक लाइन में हम लोग पढ़ते थे कि कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है, या फॉस्फोलिपिडों में पढ़ते थे, खाली लिपिड पढ़ते थे कि प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनने बात खत्म हो गया। लेकिन अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, क्या है सर, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि कोशिका झिल्ली का आंतरिक दीवार या कोशिका झिल्ली का बाहरी दीवार किसका बना होता है, अब बीच वाला क्या बना होता है, क्योंकि इसमें दो नाम बोलती है ना, एक प्रोटीन बोले एक लिपिड बोले, तो इस आसान था प्रोटीन और लिपिड का बना था, सिंपल बात था। लेकिन अब एग्जाम में थोड़ा सा टफ इसलिए हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा भर गया है, फॉर्म निकलता है 10,000 भरता है 1 करोड़ फॉर्म, तो इतने लोगों को कैसे अलग करेंगे, तो थोड़ा सा और कठिन सवाल पूछते हैं। क्या पूछा कि कोशिका झिल्ली का आंतरिक और बाहरी लेयर जो है ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली का आंतरिक और बाहरी परत प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का, और ये बीच वाला जो है कौन वाला है, ये बीच वाला जो है ऐसे वाला ये बना होता है फॉस्फोलिपिड, किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, इसका बना होता है फॉस्फोलिपिड का। क्लियर हो गया कि कोशिका झिल्ली की आंतरिक और बाहरी परत किसकी बनी होती है, प्रोटीन का, और बीच वाला किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। कोशिका के मध्यवर्ती वाले भाग में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भरे द्रव को क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। उसी तरह से कोशिका के अंदर जो इसमें आप द्रव भरा देख रहे होंगे इस द्रव को कहा जाएगा कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर भरे द्रव को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव। अब ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब दोनों को जोड़िएगा तो उसको कहा जाता है जीव द्रव, क्या कहा जाता है, जीव द्रव, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जीव द्रव। इसका मतलब जीव द्रव दो प्रकार का होता है, एगो कोशिका द्रव एगो केंद्रक द्रव, क्लियर, ये दोनों को मिला दिए जीव द्रव और उसको अलग करेंगे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, क्लियर हो गया। अब देखिएगा क्या कि इस कोशिका द्रव के अंदर अलग अलग संरचना तुमको दिख रहा होगा, बोर्ड साफ करेंगे तब देखिएगा, एक मिनट चला। अब देखो कि इस कोशिका के झिल्ली के अंदर देखो सबका अपना अलग अलग संरचना है, कुछ कुछ सेम है, जैसे कि ये देखो स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर, ये तीनों संरचना जिसको अभी हम घेर रहे हैं उस तीनों सेम संरचना है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्रिया, आपने कभी पढ़ा होगा पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा गृह जो आपको ऊर्जा प्रदान करती है, जो कोशिका को एनर्जी देती है, वो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक सेल में तीन गुकाए हैं तो छह हो सकता है, फिक्स नहीं है कि कौन सेल में क्या माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। इट डिपेंड करता है कौन अंग का उस सेल है, जैसे जो अंग ज्यादा यूजेबल है वहां एनर्जी ज्यादा चाहिए तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा, और जो अंग कम यूजेबल है तो वहां एनर्जी कम चाहिए तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां होना चाहिए, आपके हार्ट में होना चाहिए, क्योंकि हृदय का भी सोता है। उसके सोने का मतलब आप बूझ रहे हैं, श्री राम जय। ईद बेचारा हमेशा काम करते रहता है, आप सो सकते हैं, ब्रेन को रेस्ट दे सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, हाथ मना मन नहीं मन करेगा हमेशा रख ले रहे हैं, नहीं चलने मन करेगा खड़े हो पढ़ाएंगे, लेकिन एकरा तो मर बस नहीं चलेगा, तोरो नहीं चलेगा सर, थोड़ी तोर चलेगा, सब मोहम्मद देख रहा है आपका शरीर का दासा बस काय चलेगा, तोरो नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा फक 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 मारते रहता है, कभी भी रुकने का काम नहीं करता है। इसका मतलब इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसका मतलब हृदय की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। क्लियर? तो अब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें संयोग से तीन या छह हो सकता है, इसमें कैंसर आत्मा भी है, तीन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी संख्या का माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? आप देखो इस तरह का बात देख रहा है, इसी वाला ऐसे वाला सबको दिख रहा है, इसको कहा जाता है गोल्गी बॉडी। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी। एक बार देखिए बैलून जैसा संरचना देखिएगा, ये बात कलर तो चेंज कर देते, मजा आएगा, नहीं लाल पियर हरियर से रहता है, दिख रहा है ये वाला गोल गोल जो है, एक आध गोल है, इसको कहीं कहीं है, इस तरह का और भी हो सकता है कहीं कहीं। तो इस गोल का संरचना तुमको दिखाई पड़ता है, इस गोल का संरचना को कहा जाता है लाइसोसोम। क्या कहा जाता है? कि जो गोल का संरचना था उसको कहा जाता है लाइसोसोम। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। सुना भी होगा आत्महत्या की थैली, क्योंकि वो बैलून जो है उसके अंदर पूरा लिक्विड भरा रहता है, वो खुद फट जाता है, और जैसे वो फटता है जितना भी डेड सेल तुम्हारा है उस सब उसमें चला जाता है, और आपके शरीर को ही आपके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, और खुद मरकर वो अपने फट कर तब तुमको सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए उसको कहा गया आत्महत्या की आत्महत्या की थैली। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। बेचारा खुद मरकर तुमको सुरक्षा प्रदान करता है, यह है आपका लाइसोसोम। उसके बाद देखिएगा दिखाई पर कम आपको परिणाम बना देते हैं, इस तरह का संरचना कोशिका में देखिएगा, एकदम एकदम छोटा छोटा पॉइंट्स रहेगा, इसमें भी कई होगा, यहां पर है देखो एकदम छोटा छोटा पॉइंट्स, इस तरह का एकदम बिंदा बिंदी जैसा पॉइंट रहेगा। तो इस तरह का एकदम बिंदा बिंदी वाला जिसे लाता है ना, यहां काम करने हैं वो, तो ऐसा के देखना भूल जाओ कि ऐसा का रहेगा बिंदा बिंदी वाला। तो ऐसा का जो बिंदा बिंदी वाला रहता है इसको कहा जाता है राइबोसोम। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है राइबोसोम। ये बिंदा बिंदी जो संरचना, इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम। कहेगा सर ये करता क्या है? तो ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इस सेल के अंदर जो है ये प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। उसके बाद और संरचना तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, यही बता ऐसे बता, ये दोनों का लगभग संरचना सेम है, अंतर इस बात का है कि इसके अंदर फ्लूइड में रहता है, लेकिन इसके अंदर पूरा देखो फ्लूइड भरा हुआ है, इसके इस पर भी बहुत सारा राइबोसोम का कण रहता है। तो इस तरह का संरचना है, इस तरह का संरचना यहां पर तुमको दिखाई पड़ेगा, इसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो तरह का होगा, आगे सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक हो जाता है इसमें रस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया था, इसके अंदर का द्रव हो गया, यानी कोशिका के अंदर टोटली जितना भी अभी आप नाम देख रहे हैं इस सब कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्या क्या नाम बोले फिर से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का जिसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, इस सब का सब किसके अंदर है? ये टोटल कोशिका के अंदर है। यानी समझिए 10 गो पार्ट्स एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये 10ों के बारे में पार्टिकुलर हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि किसका कौन सा वर्क है, कौन किससे बना हुआ था है, किसको क्या कहा जाता है, किसका खुद किसने किया, सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन तत्काल आपको यह जानना है कि आपकी जो जंतु कोशिका है, आपका जो एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल के अंतर्गत ये सारा पार्ट्स होता है। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 9 नाम हो गया। किसके अंदर? कोशिका के अंदर, एक स्मॉल सेल के अंदर इतने सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है चला कि ये जो ये अलग अलग तरह का तुम कोशिका देख रहा है ना, इसमें भी 2 तरह का कोशिका होता है। एक इंट्रोडक्शन में भी बताए थे, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम है यूकैरियोटिक। कोशिका की जो संरचना तुम देख रहा है तो कहेगा सर प्रोकैरियोटिक पता कैसे चला होगा? तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान नाम के एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम क्या था बाबू? 1838-39 के दशक में स्लाइडेन और स्वान नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही बताए थे कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्योंकि इतना जो लंबा लंबा हम छोड़ रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं, ये हमरा थोड़ी पता था, ये सब तो कॉन्सेप्ट किताब में दिया है, वैज्ञानिकों का ये सब कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है वो जानते हैं कि इसमें हमको क्या क्या ले लेना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट सेल का है कि सेल किससे कैसे बना होता है, इसके अंदर कौन सा पार्ट हुआ, ये सारी जानकारी किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन वह किसने दिया था? स्वान ने दिया था। तो याद रखिएगा 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे उन्होंने बताया था कि किसी भी कोशिका का निर्माण जो होता है वो अलग अलग यानी फ्रीली होता है, स्वतंत्र से होता है। किसी भी जीव का निर्माण कई कोशिकाओं से या एक कोशिका से मिलकर भी बना होता है। इसीलिए हम जब डिवाइड किए थे जीव का तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय बताए थे, याद है ना? जीव को 2 भागों में बांटे थे ना, एक था एक कोशिकीय जीव और एक था बहुकोशिकीय जीव। तो उसे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय बना है, इसका मतलब जीव का निर्माण एक कोशिका से भी हो सकती है या जीव का निर्माण अनेक कोशिका से भी हो सकती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया था कि कोशिका को 2 भागों में बांटा था, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या हो गया? यूकैरियोटिक सेल। तो अभी तक जो भी बताया किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, अब हम आपको दिखाते हैं। इस सब बात एकरा में लिखल है, ये लिखा हुआ सबको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी जितनी भी सारी बात हम आपको बताए, देखिए टोटल लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए बाबू सेल की परिभाषा है, कोशिका का परिभाषा सबसे पहले लिखा हुआ है कि जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिका को जीवन का मूलभूत इकाई यानी फंडामेंटल्स यूनिट भी कहा जाता है। यानी ये सेल जो है, ये जो आपकी कोशिका है, ये जीवों की सबसे मूलभूत आधार माना जाता है। रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका का खोज किया था? सभी लोगों को याद होगा, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं लिखा होगा जो तुरा याद नहीं होगा। यदि तुम्हारा ध्यान यहां होगा तब करप होगा, तब गड़बड़ा जाएगा। बात बुझ रहा है? यदि ध्यान यहां होगा तब याद होगा, और ओकरा पर ध्यान होगा, सुबह फोन नहीं आ सका था, ठंडा ज्यादा था, तब गड़बड़ा जाएगा मामला। बात बुझ रहा चला? हे छोरा हंस रहा है, पूरा हंस रहा है, गधा कहीं का 5 महीना पर ना। और रे चलो, तो रॉबर्ट हुक ने कब वो किया था खोज? 1665 में। किससे किया था भाई? क्वार्क को काटकर जब माइक्रोस्कोप से देखा, तब ओकरा पता चला कि ओकरा में कई चंबर है, और उन्हें प्रत्येक चंबर को ही क्या कहा था? कोशिका कहा था। कोई कंफ्यूजन? वो जो क्वार्क निकाला था, वो वृक्ष का नाम देख लो, उस वृक्ष का नाम है क्वार्कस, क्वार्कस सबर। उस वृक्ष का नाम क्या था? क्वार्कस सबर, जिसके क्वार्क को काटकर उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? कोशिका रखा था। इसके बाद देखो लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का खोज किया। पहले ये तुरा याद है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका बताया उसमें जीव नहीं थी, वह निर्जीव था। निर्जीव मतलब जकरा में जीव नहीं हो। तो रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया भाई?
निर्जीव कोशिका का खोज किया था, और 74 में ल्यूवेन हॉक ने किसका खोज किया? बैक्टीरिया का। इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ल्यूवेन हॉक को। किसे माना जाता है? ल्यूवेन हॉक को। अतः ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले क्या किया? बैक्टीरिया का खोज किया। कब? 1674 में। इसीलिए जीवित कोशिका के खोजकर्ता किसको माना जाता है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता किनको? ल्यूवेन हॉक को। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा होगा, जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन बोले थे इंट्रोडक्शन टॉपिक में जब पढ़ा रहे, बोले तंत्रिका तंत्र जो होता है, न्यूरॉन जो हमारे शरीर में संचारित होता है, और वो करता क्या है? सूचना का आदान प्रदान। तो न्यूरॉन बहुत लंबा होता है। आगे हमको लगता है फिगर भी उसका होना चाहिए। ये वाला फिगर जो आप देख रहे होंगे, यही न्यूरॉन का है, जो कि सबसे लंबी कोशिका है। और जबकि ई तंत्रिका तंत्र का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण 16 से 18 मिलियन ये न्यूरॉन से हुआ है, एकदम ये स्मॉलेस्ट है। लेकिन सेल के दृष्टिकोण से जब इसको देखा गया तो सबसे लंबी कोशिका इसी को माना जाता। एग्जाम में सवाल पूछेगा चेला कि सबसे लंबी कोशिका कौन? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन? न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी? तो माइकोप्लाज्म की। सबसे बड़ी कोशिका किसका? शुतुरमुर्ग के अंडा का, यानी ऑस्ट्रिच का अंडा जो है उसकी कोशिका सबसे बड़ा। और सबसे लंबी की बात करेगा तो लंबी कोशिका कौन सा? तो तंत्रिका कोशिका। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है न्यूरॉन। इसमें दोनों तरह का ऑप्शन रहता है, कभी कभी दे देगा तंत्रिका कोशिका और कभी डायरेक्ट न्यूरॉन लिख देगा। सबसे लंबी कोशिका कौन? न्यूरॉन। सबसे लंबा? सबसे बड़ा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा? माइकोप्लाज्म। अब हम बताए थे कोशिका सिद्धांत के बारे में, स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 ईस्वी में उल्टा लिखा हुआ है। किताब में भी ऐसा है क्या? उल्टा क्या है बताते हैं। 1838 में स्लाइडेन ने और 1839 में स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, करल है वहां भी हल्का गड़बड़ी होगा। हाँ, लिखेंगे 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने और 1839 ईस्वी में स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये लिखा हुआ है। चलिए, तो खाली यह गड़बड़ी था ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो क्लियर हो गया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने और 1839 में स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब कोशिका सिद्धांत में जो हम बात बताए वो बात लिखा है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहले से आप समझ चुके हैं कि किसी भी जीव का निर्माण बिना कोशिका का नहीं हो सकता है, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। लेकिन जीव का निर्माण होगा यदि, तब कोशिका से ही होगा। तो किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से होता है। क्लियर हो गया, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी एक सेल सबसे पहले आता है, अब वहीं रुक गया तो एक कोशिका हो गया, डिवाइडेशन शुरू हो गया, ढेरी कोशिका का निर्माण हो गया तो बहुकोशिका हो गया। लेकिन उत्पत्ति स्टार्ट होती है यूनिसेलुलर से ही, एक कोशिका से ही। तो किसी भी जीव का निर्माण एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक सेल एकदम डिफरेंट है, एकदम स्वतंत्र है। लेकिन जब फंक्शन करती है, वर्क करती है, तब सब आपस में सम्मिलित होती है, क्योंकि फंक्शन तो टिश्यू करता है, तो कोशिकाओं के समूह को ही टिश्यू कहते हैं। तो सब होता है स्वतंत्र, लेकिन काम करता है जोड़े जोड़े। बात बुझे? होता है अलग, काम करेगा जोड़े जोड़े। जोड़े जोड़े पूछता है ना। हाँ, तुम लोग बहुत तेज है, साथे साथे। अगला देखो, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, बिना न्यूक्लियस का तो सेल बनबे नहीं करेगा। बुझबे करते हैं कि कोई भी कोशिका होगा, और अभी हम फिगर में दिखाए भी थे कि कोशिका के मध्यवर्ती वाले भाग में क्या होता है, कोशिका के मध्यवर्ती वाले भाग में न्यूक्लियस है। यहां पर देखिए बीच में है ना, इसी को आपने क्या बोला था? न्यूक्लियस। तो कोशिका के मध्यवर्ती वाले भाग में केंद्रक होता है। यह सब कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन और स्वान ने बताया था।
चलिए, अरे बाप भाग ले रहे। चलिए तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हल्का इंट्रोडक्शन में भी हम आपको बताए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्राचीन कोशिका है, वह एक ट्रेडिशनल कोशिका है, और जिसको यूकैरियोटिक कहते हैं वही रियल कोशिका है, वही वास्तविक कोशिका है, यानी वही आपका आधुनिक कोशिका के रूप में जाना जाता है। ये कोशिका जो आप देख रहे होंगे, ये दो तरह का कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या हो गया, यूकैरियोटिक। अंतर किस बात का है तो गौर कीजिएगा, पहले फिगर आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आप फिगर देख रहे होंगे, यहां पर दो तरह का फिगर है, एक ये फिगर, इसी का स्मॉलेस्ट यहां पर है, और दूसरा ये फिगर देख रहे होंगे। तो ये फिगर वाली जो कोशिका है, ये आपका रियल कोशिका है, ये आपकी वास्तविक कोशिका है, और ये वाली जो फिगर देख रहे होंगे, ये रियल कोशिका नहीं है। ये किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। ये किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। और वो वाला किस प्रकार का कोशिका है? तो यूकैरियोटिक। तो दोनों का अंतर क्या हुआ? तो पहला अंतर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्राचीन कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका एक आधुनिक कोशिका है। दूसरा अंतर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक पाया जाता है, यानी अपना बला में नाभिक पाया जाता है। ये जो प्राचीन वाली कोशिका है, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका हो गया या माइकोप्लाज्मिक कोशिका होगा, उस समय नहीं पाया जाता है। क्लियर? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक पाया जाता है। अगला अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, एकरा में नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जब एकरा में आप देखे थे कि एकरा के अलावा ढेरी चीज पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, झिल्ली भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है, या क्या कहते हैं राइबोसोम भी पाया जाता है, सब कुछ एकरा में पाया जाता है, लेकिन एकरा में सब नहीं पाया जाता है। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? चलिए उसके बाद और भी कहेगा क्या अंतर है। तो इसका जो डीएनए होता है वो गोलाकार होता है, इसका डीएनए कैसा होता है? गोलाकार। लेकिन एक डीएनए जो होता है सीडीयू में डबल हेलिक्स में इस तरह का होता है, यह हम लोगों की डीएनए है, जो सीडीनुमा कह सकते हैं या डबल हेलिक्स में कह सकते हैं या द्वि आधारी कह सकते हैं, लेकिन इसका डीएनए कैसा होता है? गोलाकार। तो ये सब डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, या प्राचीन कोशिका है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, लील हेडसेबल, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, जबकि ये रियल कोशिका है। सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु की बात करेंगे तो उसकी कोशिका कैसी होगी? यूकैरियोटिक। सब इन हम लोगों का, इन सभी जीव जंतु का या पेड़ पौधों की कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अगला देखो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और हम लोगों वाले सेल में पाया जाता है। इसमें देखो 70S प्रकार का राइबोसोम, हम राइबोसोम दिखाए थे इस तरह का, ऐसे ऐसे बिंदा बिंदी वाला, और इसी को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये राइबोसोम चूंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, तो इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसमें ये राइबोसोम भी दो तरह का होता है, जो आपका प्रोकैरियोटिक वाला रहेगा उसमें 70S प्रकार का नाम है, टाइप है वो, कि 70S और 80S दो तरह का राइबोसोम होता है। तो इसमें होता है 70S टाइप का और इसमें होता है एंटी 80S टाइप का, यानी उसमें ये माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है इसमें 80 होता है, किसमें? रियल सेल में, और इसमें कितना होता है? 70 होता है, यानी इसको कम प्रोटीन चाहिए और आपको एनर्जी चूंकि ज्यादा चाहिए तो आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। इसमें देखिए डीएनए कैसा है, पहले बता चुके हैं, इसमें कैसा है? सीडीनुमा। इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रिका पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है ये आपको याद ही हो गया होगा, हमको जैसा लगता है, यदि ध्यान आपका यहां होगा तो कंडीशन अप्लाई है, इन्हें ध्यान अलग हो, हमारा तो याद ही नहीं हो लो।
हम भगवान ने तो दिल के अंदर में जाकर ओकरा पर ध्यान हटवा दियो, एक उत्तरे बस के बात हो किर चला, बुझ रहा है ना। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई कंफ्यूजन किन्हीं को, चलिए अब हम आप हालांकि इसके बारे में पहले भी बता चुके थे इसलिए आसानी इजीली आप समझ गए। अब क्या होगा कि कोशिका की संख्या के आधार पे जीव को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कोशिका की संख्या के आधार पे जीव को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, कौन कौन, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो इसका थोड़ा सा अंतर आप समझ ले ऐसे, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जिसको कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को कितने भागों में, कौन कौन, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय जीव। अब देखिए अंतर क्या है, हालांकि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि वैसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होगा उसे क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय। वैसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होगा वो क्या कहलाएगा, एक कोशिकीय जीव। मन में सवाल आया होगा सर ऐसे कुछ जीव का नाम, जैसे आपने माइकोप्लाज्म का नाम सुना है ना, आपने शैवाल का नाम सुना है ना, आपने युगलीना का नाम सुना है ना, आपने पैरामीशियम का नाम सुना है ना, सुना है कि आपको याद होना चाहिए चूंकि मुनिरा प्रोटीज हम पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं कि वह एक कोशिकीय होती है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जिसमें एक से ज्यादा होगा, दो चार छह आठ दस लाखों करोड़ों की संख्या में भी हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा कोशिका होगा वैसे जीव को क्या कहा जाएगा, बहुकोशिकीय जीव कहा जाएगा। अच्छा उत्तक के बारे में यदि सवाल पूछा जाए कि उत्तक क्या है, तब इसमें क्या बोलिएगा, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय। हाँ उत्तक की बात होगा तो बहुकोशिकीय का है, क्योंकि बिना कोशिका के समूह का उत्तक बोलबे नहीं करेंगे, सिर्फ एक सेल रहेगा तो टिश्यू तो उसको नहीं बोलेंगे। तो कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है कि उत्तक किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। लड़का कहता बाप रे बाप, क्वेश्चन पूछा था पूरा डेप्थ था, जबकि दिमाग का गेम है। या बूझ सकते हैं कि जब उत्तक कोशिकाओं का समूह है तो स्वाभाविक है उत्तक भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। बात पूछे, बोल देगा मनुष्य का हृदय किस प्रकार के जीव में आएगा, त्वचा किस प्रकार के जीव में आएगा, किडनी किस प्रकार का जीव में आएगा, मनुष्य किस प्रकार का जीव है, मछली किस प्रकार का जीव है, मेढक किस प्रकार का जीव है, बाघ किस प्रकार का जीव है, पेड़ पौधे किस प्रकार का जीव है। क्लियर हो गया कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वह बहुकोशिकीय होता है, क्या ओकरा एगो सेल से कम नहीं चलेगा, ये तो शरीर के एगो सेल से की होगा। और जो सूक्ष्म जीव है उसकी कोशिकाएं कैसी होती है, तो एक कोशिकीय होता है, यानी जिसमें सिर्फ एक कोशिका रहेगा वो एक कोशिकीय जीव कहलाएगा, और ज्यादा रहेगा तो वो बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। और यहां पर स्पष्टतया लिखा हुआ है कि जिनका शरीर केवल केवल मतलब वनली एकदम एक्के गो, इन्हें की एक या दो बला एकदम एक्के गो रहेगा वो क्या कहलाएगा, अमीबा का नाम आपने सुना है, युगलीना का नाम, प्लाज्मोडियम का नाम, पैरामीशियम का नाम, सब सुन ले है, ये सब किस प्रकार की जीव होगा। चलिए मछली का नाम, मेढक का नाम, मनुष्य का नाम, अन्य जीव जंतु का नाम, बहुकोशिकीय। कैसा, बहुकोशिकीय। तो चलिए ये क्लास यहीं तक हम रुकते हैं, अगले क्लास में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशिका की संरचना।